एक गांव में नटराज नाम का एक रसोईया हुआ करता था। वो उस गांव में होने वाले हर शादी और पार्टीज में खाना बनाता था। दावत को आए लोग उसके व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेते थे। एक बार प्रणव नाम का एक धनवान आदमी नटराज को बुलवाकर, तो तुम ही नटराज हो, तुम बहुत बढ़िया व्यंजन बनाते हो कहकर मेरी पत्नी तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अगले हफ्ते हमारे घर में एक बिजनेस पार्टी है, देश विदेश से बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके लिए तुम खाना बना पाओगे क्या? खासकर तुम्हें बारबेक्यू चिकन बनाना होगा, क्या तुमने उसका नाम भी सुना है? पूछा नटराज तब। बारबेक्यू चिकन बोले तो मसाले से लेपे मांस को लोहे के छड़ में छुपाकर कोयले पे जलाना है, बस वही ना साहब, मैं कर सकता हूँ साहब, कहा प्रणव तब। क्या लोहे की छड़, कोयले, ये लैंग्वेज क्या है? बारबेक्यू नाम के स्टाइलिश व्यंजन को गवार डिश बना दिए, तुम मुझे सेट नहीं होगे, जाओ, कहा नटराज तब। अंग्रेजी शब्द और ऊपरी चमक दमक को देखकर किसी को मत आंकिए सर, खाने को जुबान को खुश करना पड़ता है, आंखों को या कानों को नहीं, याद रखिए, कहकर चला गया। अगले दिन प्रणव शहर से मस्त मनोज नाम के एक रसोइये को बुलवाया। मस्त मनोज, सी मिस्टर प्रणव, आपके फंक्शन के हिसाब से मैंने ऑलरेडी एक मेन्यू तैयार किया है, बोलूंगा सुनो। स्टार्टर्स में चॉकलेट चिकन कबाब्स, मैंगो मटन मोमोज, फ्राइड फिश विद फिनलैंड सॉस, अनकुक्ड प्रॉन्स स्टिक्स, मैजिकल पोटैटो पिकलेट्स, कहकर कई प्रकार के नाम बताया। प्रणव उनके नाम सुन के खुश होकर, सर इनके साथ साथ बारबेक्यू चिकन लेग पीसेस भी बनाइए सर, सुना है कि ज्यादातर मेहमानों को वही पसंद है, कहा मस्त मनोज तब। ओके नो प्रॉब्लम, वो क्या बड़ी बात है, कहा और प्रणव के पास से एडवांस के पैसे लिया। फंक्शन का दिन आया, प्रणव मस्त मनोज को बुलाकर, ये क्या जी, आप लोग सिर्फ राइस आइटम्स और रोटी ही बना रहे हैं, आपके कहे स्टार्टर्स और डिशेस बनाना शुरू नहीं किए क्या? और 2 घंटे में पार्टी शुरू होने वाली है, कहा मस्त मनोज तब। डोंट वरी सर, सारे आइटम्स डीप फ्रिज में हैं, गेस्ट्स के आते ही उन्हें गर्म करके दे देंगे बस, कहा प्रणव दंग होकर। क्या सब फ्रीजर में है, आप कोई भी चीज लाइव में नहीं बनाते क्या? बारबेक्यू चिकन लेग पीस भी फ्रीजर में रखे क्या? पूछा मनोज तब। लाइव खाना बनाने के लिए इस गांव में एक अच्छा किचन सेटअप नहीं है जी, उतने सारे बारबेक्यू चिकन लेग पीसेस बनाने के लिए बहुत बड़ी किचन चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए उस आइटम को मैंने कैंसिल कर दिया है, कहा प्रणव तब। क्या कैंसिल कर दिए? मेरे कंपनी के सारे क्लाइंट्स वही पूछ रहे थे, मैं बनवा रहा हूँ कहकर कमिट हो गया, अब उन्हें चिकन लेग पीसेस नहीं परोसा तो मेरे सारे डील्स रुक जाएंगे, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, मुझे कम से कम 500 चिकन लेग पीसेस चाहिए, कहा मनोज तब। 2 घंटे में 500 चिकन लेग पीसेस, वो भी इस गांव में बनाना है, इम्पॉसिबल, आई एम वेरी सॉरी, कहा। प्रणव को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आया, उसे नटराज की बातें याद आई, वो तुरंत नटराज को बुलवाकर पूरी बात बताया। नटराज जी, आपके अब 500 चिकन लेग पीसेस कोई बना नहीं पाएगा कहकर मुझे पता है, उसके लिए बहुत बड़ा ओवन और ग्रिल्स चाहिए कहकर मुझे पता है, पता नहीं क्यों आपकी बातें याद आकर आपसे बात करने के लिए आपको बुलाया बस, कहा नटराज तब। सर आप मुझे बुलाकर बहुत अच्छा काम किए, मैं आपके पार्टी के लिए 500 चिकन लेग पीस बनाकर दूंगा, आप घबराइए मत, कहा प्रणव। कैसे बनाओगे जी, सिर्फ 1 घंटा बचा है, कहा नटराज तब। तुरंत आपके स्विमिंग पूल में से पानी निकलवा दीजिए, कहा प्रणव की दिमाग की बत्ती जली। नटराज स्विमिंग पूल में बहुत सारे कोयले दलवाकर उन्हें जलाया, उस स्विमिंग पूल के ऊपर बड़े बड़े रॉड्स पे चिकन लेग पीसेस चुबाकर उन्हें जलाने लगा। ऐसे स्विमिंग पूल पे चिकन लेग पीसेस तैयार हुए, 500 चिकन लेग पीस उन छड़ों पे एक साथ जलने लगे। घर के अंदर पार्टी को आए लोग मस्त मनोज के बनाए व्यंजनों को खाकर थू 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 छी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस शिट, कहकर थूकने लगे। प्रणव गुस्से से मस्त मनोज को खूब मारा। इतने में स्विमिंग पूल के ऊपर चिकन लेग पीसेस बनकर तैयार हुए, उन्हें बड़े बड़े प्लेट्स में रखकर मेहमानों को परोसे। मेहमान उमड़कर उन्हें खाने लगे। वाव, सुपर्ब, वेरी नाइस, वेरी डेलीशियस, कहकर वो लोग उन लेग पीसेस को खाने लगे। पार्टी होने के बाद प्रणव नटराज को पैसे देकर
मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। बारबेक्यू चिकन अद्भुत तरीके से बनाने के साथ साथ सामयिकता से 500 लेग पीसेस सिर्फ एक घंटे में एक साथ बनाना सच में अनबिलीवेबल है सर। स्विमिंग पूल को ओवन के जैसे बदलने का आइडिया आपको कैसे सुझा सर? यू आर रियली ए ग्रेट पर्सन। अब से हमारे कंपनी के तरफ से हर पार्टी में आप ही खाना बनाओगे। मुझे व्यंजनों के नाम भी बताने की जरूरत नहीं है, मेनू की जरूरत भी नहीं है। आप जो भी बनाओगे हम आंखें मूंछ कर खाएंगे। बस कहा नटराज बहुत खुश हुआ।